यस ऐसा प्रतीत होता है कि अपलार्थी सरबजीत सिंह, इतपाल सिंह एवं गुरविंदर सिंह द्वारा दिनांक 17/3/1997 एवं 4/4/1997 के उक्त दो रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेखों के माध्यम से क्रय की गई 61 करनाल 3 मारला भूमि से संबंधित मुकदमे के संदर्भ में पिछड़ गया था। वर्तमान निष्कर्ष इस तथ्य पर आधारित है कि सलामत मसी विक्रेता ने 20/4/1995 को अपना वाद दाखिल किया था, जिसमें यथा पूर्व स्थिति बनाए रखने का आदेश 3/2/1998 को पारित किया गया था। पूर्वोक्त के यथा विरुद्ध अपलार्थी सरबजीत सिंह ने 8/1/1998 को सिविल वाद दाखिल किया था, लेकिन वह अपने पक्ष में कोई अंतरिम आदेश प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ। इसलिए 10/1/1998 को अपलार्थी सरबजीत सिंह ने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रथम सूचना रिपोर्ट भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 379, 427, 506, 148 एवं 149 के अधीन दर्ज कराई गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपलार्थी सरबजीत सिंह का संपूर्ण दावा विक्रय करने के करार पर आधारित था, जिसके अग्रसारण में यह अभिकथित किया गया है कि सलामत मसीह विक्रेता ने प्रतिफल के रूप में 3,00,000 की धनराशि उससे प्राप्त की थी, लेकिन रुचिकर ढंग से ना तो विक्रय करने के करार की तारीख ही अपलार्थी सरबजीत सिंह द्वारा किए गए परिवाद में वर्णित की गई थी और ना ही उसे उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के समय उसके द्वारा पेश किया गया था। स्टॉप पैरा। तथ्यात्मक स्थिति के वर्णन के अनुक्रम से जैसा कि अन्वेषण और न्यायिक संवीक्षा के विभिन्न स्तरों के समक्ष हुआ, यह अद्भुत होता है कि अपलार्थी सरबजीत सिंह ऐसी कोई भी सामग्री पेश करने में समर्थ नहीं रहा है जिसके आधार पर वह अपना दावा साबित कर सकता है। भूमि का विक्रय स्वीकृत रहा। सलामत मसीह विक्रेता द्वारा इतपाल सिंह एवं गुरविंदर सिंह प्रत्युत्तरदाता संख्या 4 एवं उसके भाई को दिनांक 17/3/1997 एवं 4/4/1997 के दो रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेखों में के माध्यम से अर्थात अपलार्थी सरबजीत सिंह द्वारा दिनांक 10/1/1997 को प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराने के ठीक पूर्व किया गया था। यह है ऐसा स्पष्ट निर्देश के बावजूद मामला है जहां अभियोग समर्थनकारी सामग्री के बिना लगाए गए हैं। उच्च न्यायालय
द्वारा पारित आदेश में स्पष्ट निर्देश के बावजूद ऐसी समर्थनकारी सामग्री अभी तक इस न्यायालय के परिशीलन के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई है, इसलिए इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में दिनांक 10/1/1998 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपलार्थी सरबजीत सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों का समर्थन करने के लिए किसी भी सामग्री वह चाहे जो भी हो के अभाव में उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अपनी अधिकारिता का आश्रय लेकर उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट को